Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Hey, what's up guys, welcome back to my channel. So guys, 2023 का ये पहला वीडियो है. मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, क्यों नहीं वीडियो आया, क्या दिक्कत थी, कहाँ था मैं. बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, बहुत सारे इंस्टा पे मेरे को जो मेरे यार दोस्त हैं पूछ रहे हैं. रीज़न थे, बहुत सारे रीज़न थे, धीरे धीरे बताऊंगा. बट आज पहले बात करते हैं राइड की. सो आप ये देख रहे हो मेरे पीछे बहुत सारे ग्रुप हैं, अपना ग्रुप ही नहीं है, बहुत सारे ग्रुप हैं. अपने साथ तो 40 राइडर्स हैं ही, बट और भी बहुत सारे ग्रुप हैं. ये राइड बेसिकली एक कश्मीर से रिलेटेड एक राइड है, जिसपे कश्मीर से कश्मीर टूरिज्म के बारे में हमें थोड़ा गाइड किया जाएगा. और फिर राइड यहाँ से स्टार्ट होगी और हम जाएंगे आगे बर्नआउट कैफे पे, GFR रोड पे. सो मुझे मालूम है बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मुझे देने हैं, धीरे धीरे बात करेंगे. मगर अभी यहाँ से फटाफट से सारे भाइयों से मिल मिलाकर राइड यहाँ से स्टार्ट करेंगे. थोड़ा लेट हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रुप और भी आ रहे हैं. सो जितने भी ग्रुप्स इन्वाइटेड हैं वो सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे, एक ब्रीफिंग होगा और उसके बाद यहाँ से हम फिर निकल लेंगे. सो आ जाइए बाज अपने साथ. बहुत सारी बाइक्स हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं. ये बहुत सारे ग्रुप आ चुके हैं, धीरे धीरे ब्रीफिंग स्टार्ट होगा, फिर निकलेंगे. I would like to invite Beer Zada Aakib from Throttle TNT, जो कि आज की राइड के होस्ट भी हैं हमारे. से अ फ्यू वर्ड्स, अगर किसी को नहीं पता लग रहा ये कश्मीर से. ओके चलो ठीक है. सो रूट इज प्रीटी सिंपल. वी आर टेकिंग ये NH8 वाला रास्ता और साइबर हब से हम लोग एंट्री करेंगे. और यार अब आ जाने विद सागर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चेहरे को मत भूलिए. देखिए नया एक दाग मिला है, हम दिखाना चाहेंगे मिस्टर सागर को. ये रात को ये कह रहे हैं कि मित्र ने दिया है थोड़ी सी टिन हट में, लेकिन हमें ऐसा लगता है ये किसी जंगली शेरनी का कमाल है. हो सकता है हमारी भाभी हो, क्या पता, ये राज छुपाया जा रहा है. गाइस कमेंट में बताइए क्या हो सकता है, ये कट दोबारा दिखाना चाहूँगा मैं एक बार. कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो सकता है. सो गाइस आपने देखा ब्रीफिंग हो चुकी है और यहाँ से अब राइडिंग स्टार्ट होगी. सारे राइडर्स फटाफट गियर अप करेंगे और यहाँ से अब राइड स्टार्ट करेंगे और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो मेन डेस्टिनेशन है जहाँ इवेंट होगा, वहाँ जाएंगे बर्नआउट कैफे पे. सो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और ज्वाइन करते हैं राइड को, देखते हैं कहाँ वहाँ जाके क्या होने वाला है. Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. So, हम पहुंच गए अपनी मेन डेस्टिनेशन पे बर्नआउट कैफे. आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं. बहुत सारे नंबर ऑफ राइडर्स बहुत ज़्यादा हैं. ये देखो वर्सेस 1000 हायाबुसा 3900, आपको सब दिखेगा एक ही जगह पे, एक ही जगह पे सारे ब्रांड नज़र आएंगे. ये अपनी बास खड़ी है. सो राइडर देखो बहुत ज़्यादा राइडर है और अभी एंट्री करते हैं. अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसा बना हुआ. ये है एंट्रेंस, ठीक है. पार्किंग एरिया अंदर भी है और ये चल रही थी अपने आगे रॉकेट, ठीक है. तो आप एक बार बाइक देखो, खतरनाक बाइक. तो आपको सारे ब्रांड मिलेंगे आज यहाँ पे, सब देखने को मिलेगा. Z900, Z800 सब दिखेंगे आज आपको यहाँ. ये देखो, ये हो सकती है मेरी नेक्स्ट बाइक हो. Thank you.
तो गाइस ये कैफे क्यों मुझे डिफरेंट लगता है ना, तो एक बार ही आप देखो, सिटिंग एरिया ऊपर भी है, ये देखो राइडर्स के लिए और क्या चाहिए, इतनी अच्छी जगह मिल जाए हाथ हाथ से। और यहाँ पे ना आपको सुपर बाइक्स खड़ी हुई नज़र आएंगे, ये देखो चारों तरफ वहाँ ZNR नज़र आ रही होगी आपको, ये देखो Z900 है ये क्लासिक बाइक। ये तो अलग ही क्लास है ZNR। मजा तो बहुत आ रहा है मगर बहुत भीड़ हो गई है। ये भाई जर्नी विद सागर नाम का चैनल है, इज अ वंडरफुल ब्लॉगर, ब्लॉगर एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। यार एवरीवन हियर टू बर्नआउट कैफे ऑन बिहाफ ऑफ थ्रॉटल TNT हु इज द मेन ऑर्गेनाइजर फॉर द राइड टुडे। और आज जो हमारे साथ हमारे होस्ट है थ्रॉटल TNT, एक बार मैं चाहूंगा कि उनके लिए ना एक बार जोरदार हमारा राइडर स्टाइल आवाज नहीं आ रही, चाय भी आएगी, चाय भी आएगी। हिप 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 हिप। चार बजे से गाइस सब उठे हुए हैं, चार बजे से उठे हुए हैं, शरीर में धुएं के अलावा कुछ गया नहीं है, धूल मिट्टी पानी भी गया है, इसके अलावा कुछ नहीं गया। भूख लग रही है गाइस, हमारे एडमिन साहब जाने क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, मारेंगे के। पत्ती जा रहे हैं, पत्ती जा रहे हैं ये। एक ये हमारे साजिश करता, जो आदमी ज्यादा पोस्ट अपलोड करने लगता है ये फोन करवा देते हैं, ये दुबई से फोन करवा देते हैं। ये जीतने की आदत पड़ गई हमें, दाम दंड भेद, कैसे भी हमें जीतना है। किसे बोलना है? ये तरुण कुमार है, एक वो राइड में चीखे है और एक दो लड़के हो रहे हैं अपने DRE अड़के, अपने बच्चे छोटे, तो छोटे की तरह रहे, ये रहोगे तो गुस्सा आने बिना बात। जी ठीक है ना जी साहब। ये यहाँ से बहुत बढ़िया कैफे बना रखा है, लेकिन इस टाइम बहुत बुरी हालत है, नंबर ऑफ राइडर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि यहाँ कुछ मिलना ही नहीं है। सो हमने प्लान किया है कि हम अपने कुछ राइडर लेके आगे निकलेंगे और यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक ढाबा है वहाँ जाएंगे, खाना पीना करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। गाइस फाइनली पहुँच गए श्रीराम ढाबा और यहाँ बैठेंगे सारे, खाना पीना करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। अच्छा बना हुआ है, पहले भी बहुत बार आया हूँ मैं यहाँ पे, बट आज आपके सामने ही है सब कुछ, ऐसा हो गया इतने राइडर्स आ गए एक साथ और बेकार हो गया, वहाँ पे मज़ा ही नहीं आया। वहाँ पे हमारा बिल्कुल फ्री फंड का ब्रेकफास्ट था, बट अपने को नहीं करना, इतनी भीड़ भाड़ में खाने का मज़ा ही नहीं था, अपने को सुकून से खाना खाना था, इसलिए हम यहाँ आ गए। तो जितने राइडर आप देख रहे हो अपने साथ आ गए, कुछ राइडर्स अभी पीछे रह गए वो भी आ रहे हैं, और इसके बाद फटाफट खा पी के यहाँ से राइड को सीधा कंटिन्यू करेंगे घर के लिए सीधे यहाँ से। सो गाइस पराठों का साइज़ देखो, ऑलमोस्ट प्लेट जितना ही साइज़ है। भाई आप क्यों नहीं खा रहे, खाली ये खाओगे? अच्छा आलू प्याज। तो ये सारे देख लो, ये चेहरे आपको पुराने चेहरे हैं, ये तो सब आपको पता ही हैं, सारे ये चेहरे देखे हुए हैं, ये सबसे महंगी प्रॉपर्टी वाले आधा गांधीनगर इन्हीं का ही है। ये देखो ये जिला वाले, पूरा जिला इनका है। अरे मैं भी तुम्हारा ही हूं यार। सही है, तो गाइस फटाफट निपटाते हैं, कॉफ़ी साथ में बढ़िया बढ़िया पराठा और सिरके वाला प्याज, उसके बाद आगे बात करेंगे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे और क्या रीज़न था। इट्स टाइम टू गो बैक, और बड़े दिनों के बाद वीडियो स्टार्ट किया और अच्छा लगा कि सब्सक्राइबर मिल गए पहली बार ही। सो वो रहे सब्सक्राइबर, सो स्पेशल आए फोटो खिंचवाने, सो बहुत दिनों के बाद ये वाला फील आया बट अच्छा लगा। तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं, पहले मैंने सोचा वीडियो यहीं एंड कर दूँ, लेकिन वीडियो एंड करूँगा मैं
अब घर जाने के बाद, क्योंकि आपसे कुछ बातें करनी है, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देंगे, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गया था, चेंज वेंज कर लिया, फ्रेश हो गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन थे सबके, कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा था। तो यार उसके कई सारे रीज़न है, तो डिटेल में भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, मगर थोड़ा सा बता देता हूँ। सो एक तो मैं बहुत सारे कामों में बिजी था, जैसे कि आपको पता है कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ। सो मेरी जॉब भी है, तो मैं जॉब में कुछ काम ज़्यादा था वो कर रहा था। सेकेंडली कुछ चैनल को लेकर भी कुछ डिस्कशन चल रही है, बिकॉज आप लोगों का रिस्पॉन्स है बट उस लेवल का भी नहीं आ रहा जो चाहिए था। सो मुझे लगा क्यों ना कुछ कंटेंट पे काम किया जाए, कुछ चेंज करने की कोशिश की जाए। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपको दिखेगा कि थोड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा बनेंगे। सो वो चीज़ें होंगी, बाकी और भी है, ब्रांडिंग पे भी काम चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, मिक्सअप था। बाकी डिटेल में कुछ आने वाले वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। सो ठीक है, आज का एक नया कैफ़े था जो आपको दिखाना था, बहुत डिटेल में नहीं दिखा सका बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने सारे राइडर्स थे कि मज़ा ही नहीं आया उस राइड पे। बट कोई बात नहीं, हो सकता है इसी कैफ़े का दोबारा से एक राइड बनाएंगे जब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, अपना सिर्फ ग्रुप हो, तो ज़्यादा अच्छे से दिखाऊंगा। बहुत अच्छा बना हुआ है, रेट लिस्ट वगैरह सोचा था दिखाऊंगा बट हो नहीं पाया आज। तो जैसे भी होगा आने वाले राइड पे आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये, ठीक है। सो देखो 2022 में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, अब 2023 की बारी है। 3500 होने वाले हैं सब्सक्राइबर, इसको 5000 जल्दी से करना है। सो प्लीज़ अपने दोस्तों के, अपनी फैमिली में शेयर करो यार। आप लोगों के ये जब काउंट बढ़ते हैं ना, ये जो सब्सक्राइबर्स के, ये थोड़ा मोटिवेट करते हैं। थोड़ा सा झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा डिमोलाइज भी हो गया था जिसकी वजह से वीडियोज़ की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी थी मैंने, बट आता हूँ वापस, कोशिश करता हूँ दोबारा से। बस आप लोगों की सपोर्ट पे सब डिपेंड करेगा। सो अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखोगे, अच्छा सपोर्ट करोगे, तो ये जर्नी बहुत बढ़िया चलेगी। सो आने वाली राइड बता देता हूँ, एक छोटा सा वन नाइट स्टे राइड है, एक वो है बद्दी राइड जाएगी आईसी यूनिवर्सिटी की, वो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपने अगर यहाँ तक देखे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ दोबारा मिलता हूँ जल्दी से। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।